हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी नॉलेज हेल्प। दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें बार बार यूरिन क्यों आती है, इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए और हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए। हमें इतनी ज़्यादा यूरिन क्यों आती है, क्या ये लड़का होने पर ज़्यादा होता है या फिर लड़की होने पर। अगर आप लोगों के मन में ऐसे डाउट्स चल रहे हैं तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आज आपके सारे ही डाउट्स क्लियर होंगे, साथ ही हम आपको कुछ उपायों के बारे में भी बताएंगे ताकि आपको रिलीफ मिल सके और थोड़ा आप कंट्रोल भी कर सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल प्रेस कर लेना। और ये वीडियो अच्छा लगे ना गाइस, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है कि अब फाइनली हमारी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो गई है, अब हम माँ बनने वाले हैं, तो क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल बदलाव दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम यूरिन आने की फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहली तिमाही में देखने को मिलती है, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, जो 7, 8, 9 महीने होते हैं, उनमें ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है, और दूसरी तिमाही में थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, हमारे हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, अप डाउन होने लगते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि हमारे बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ही जल्दी तेज़ी से होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी वजाइना पर प्रेशर पड़ता है, बच्चे का जो भार होता है वो नीचे की तरफ खिसकने लगता है और हमारे वजाइना पर प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बार बार यूरिन आने की समस्या हो सकती है। तो गाइस, अब जान लेते हैं अगर आपको कम यूरिन आ रही है तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं। देखिए, अगर आपको कम यूरिन आ रही है तो इसके तो ऐसा हो सकता है कि आप पानी कम मात्रा में पीती हैं, इसलिए आपको पेशाब में जलन भी हो सकती है और कम यूरिन भी आ सकती है। पानी को आप फुल मात्रा में पीना है जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको यूरिन पास करने जाती हैं, अगर आपको बार बार यूरिन आती है और यूरिन में जलन होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो हो सकता है आपके यूरिन में इन्फेक्शन हो, क्योंकि ऐसा ज़्यादातर प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। तो गाइस, अब थोड़ा उपाय के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद ये भी जानेंगे क्या लड़का होने पर यूरिन ज़्यादा आती है या फिर लड़की होने पर। तो गाइस, सबसे पहले उपाय के बारे में ये जानेंगे कि अगर आपको बार बार यूरिन आ रही है और कम यूरिन आ रही है, तो आपको ये नहीं सोचना है अगर आपको ज़्यादा यूरिन आ रही है तो आपको पानी कम नहीं पीना है। ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें, इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, आपका सी सेक्शन होने का चांस बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आप में बॉडी में पानी की कमी रहेगी तो जाहिर सी बात है आप में पानी की कमी रहेगी तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस भी कम हो जाते हैं। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको पानी फुल मात्रा में पीना है और नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी पीना है। फ्रिज का पानी आपको बिल्कुल भी कभी भी नहीं पीना है प्रेगनेंसी के टाइम पर। हो सके तो प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें, 9वें महीने में आप गुनगुना पानी का यूज़ कर सकती हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गुनगुना पानी हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और जब भी आप खाना खाती हैं तो आप कोशिश करें 10 से 15 मिनट आप इधर उधर थोड़ा वॉक करें, थोड़ा टहलें, जिससे कि आपका जो खाना है अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। आप जान लेते हैं दोस्तों कि क्या इसे हम लड़का और लड़की से जोड़ सकते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि लड़का होने पे ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है या लड़की होने पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो गाइस, आप सभी के डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। अगर आपको कोई भी जलन महसूस हो रही है या फिर बार बार यूरिन आ रही है, कम यूरिन आ रही है, जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है इस बारे में, क्योंकि ये ज़्यादातर इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसका लड़का और लड़की से लेना देना बिल्कुल भी नहीं होता है, ये सिर्फ हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। तो गाइज, ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड अपने बेबी का ज़रूर ध्यान रखें, और अपनी डाइट में अच्छी अच्छी चीज़ों को शामिल करें जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हों, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और कोशिश करें जब पानी आप पीती हैं तो बैठ कर ही पिएं, इकट्ठा पानी पीने से बचें। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक पर।